गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। योर लेसन इज टक्स पेंट एंड टॉपिक इज हाउ टू यूज टूल्स इन टक्स पेंट। इन प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट मेनी टूल्स एंड इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट फ्लावर्स आल्सो लर्न अबाउट मेनी टूल्स। फर्स्ट योर फ्लावर्स टूल, हाउ टू यूज फ्लावर टूल इन टक्स पेंट। ओके, फर्स्ट वी रीड। इट इज अ रेडीमेड ऑप्शन टू ड्रॉ फ्लावर्स ऑन द कैनवास। ये क्या होता है? रेडीमेड मीन्स ये पहले आप लोग जब पेंट करते थे एमएस पेंट तो उसमें आपको फ्लावर बनाना पड़ता था, लेकिन इसमें टक्स पेंट में आपको फ्लावर्स बने मिलेंगे और आपको उसमें क्लिक करके आपको टक्स पेंट में इसको लेके आना पड़ेगा। सिर्फ सिंपल सा है, आपको इसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है ड्रॉ फ्लावर्स की। आपको सिर्फ उसको फ्लावर टूल्स के अंदर जाके आपको फ्लावर्स लेने हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल इज अ सिंपल टूल विच यूज टू पुट स्टैम्प एंड एड इमेजेस इन ड्रॉइंग। टक्स पेंट ऑलरेडी हैज सम इनबिल्ट स्टैम्प्स एंड एडिशनल स्टैम्प कैन आल्सो डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट। वी कैन सी वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टैम्प इन द सब टूल बॉक्स। मीन्स अब है सब टूल स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल्स किसे कहते हैं? जो कागज में हम लोग मोहर लगाते हैं ना, उसी को कहते हैं हम स्टैम्प। मतलब आपने जो सरकारी कागज होते हैं उसमें आप लोगों ने देखा ना, मोहर सी होती है, गोल सी मोहर होती है, तो इसी में भी हम लोग टक्स पेंट में भी हम लोग मोहर का यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टैम्प टूल इज अ सिंपल टूल विच यूज टू पुट स्टैम्प एंड एड इमेजेस इन ड्रॉइंग। लेकिन इस स्टैम्प में क्या होती है? इमेजेस होती है। ओके, इस स्टैम्प में टक्स पेंट ऑलरेडी हैज सम इनबिल्ट स्टैम्प। इसमें टक्स पेन है ऑलरेडी हैज सम इनबिल्ट, इसमें भी स्टैम्प होती है लेकिन इसमें इमेजेस होती है स्टैम्प में। एंड एडिशनल स्टैम्प कैन आल्सो, अगर आपको और काफ़ी सारे स्टैम्प चाहिए तो आप लोग इसे क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। किससे? इंटरनेट से। वी कैन सी वेरियस कैटेगरीज, हम इसमें काफ़ी सारी वैरायटी देख सकते हैं स्टैम्प टूल के अंदर। लेकिन किस में देखेंगे? सब टूल बॉक्स में। हर कहाँ देखेंगे? सब टूल बॉक्स के अंदर। अब देखो स्टैम्प टूल के अंदर कैसे जाएंगे हम? क्लिक ऑन स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल में आप क्या करोगे? क्लिक करोगे, देन चूज एनी वन स्टैम्प फ्रॉम सब टूल बॉक्स। आप इसमें काफी सारे स्टैम्प होते हैं, आपको सब टूल के अंदर एक स्टैम्प आपको लेना है। फॉर मोर स्टैम्प, अगर आपको काफी सारे स्टैम्प और चाहिए तो आपको राइट और लेफ्ट एरो में आपको क्लिक करके आपको काफी सारे स्टैम्प और भी आप ले सकते हो। सिलेक्ट द कॉक स्टैम्प, ठीक है। फिर यू कैन ऑल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज। आप स्टैम्प का साइज बड़ा या घटा सकते हो। जैसे छोटा सा मान के चलो, अगर ये स्टैम्प है, जैसे जस्ट इमेजिन करो ये स्टैम्प है, इसको आप इंक्रीज मैंने बड़ा और डिक्रीज मैंने छोटा कर सकते हो। तो आप इंक्रीज और डिक्रीज का भी साइन होता है, इसमें आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो स्टैम्प को। वी कैन ऑल्सो यूज द मिरर इमेजेस ऑफ द सिलेक्टेड स्टैम्प बाय चूजिंग द मिरर ऑप्शन बिलो द राइट एंड लेफ्ट एरो कीज इन द सब टूल बॉक्स। आप इसके अंदर वी कैन ऑल्सो यूज मिरर इमेजेस, हम इसके अंदर मिरर इमेजेस मतलब सामने सामने। मिरर मतलब ये होता है ना, जब हम लोग मिरर में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, अपनी शक्ल को हमें सेम दिखाई देती है, तो वैसे ही हम इसमें यूज कर सकते हैं मिरर इमेजेस ऑफ द सिलेक्टेड स्टैम्प बाय चूजिंग द मिरर ऑप्शन बिलो द, कहाँ मिलेगा आपको ये? राइट एंड लेफ्ट एरोस कीज के नीचे इन द सब टूल बॉक्स, देन क्लिक ऑन द मिरर बटन। ये आपको मैं अभी टक्स पेंट में बताऊंगी कि इसको स्टैम्प टूल का यूज हम कैसे करते हैं और मिरर बटन का यूज हम कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पैटर्न ब्रश शेप्स। अब ब्रश के भी अब इसमें हम शेप्स ले सकते हैं। इन एमएस पेंट में भी हम लोगों ने ब्रश लिए थे, ब्रश का यूज किया था, वैसे ही हम इसमें भी हम ब्रश का यूज करते हैं। लेकिन कैसे? सब इसमें टक्स पेंट में थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, टक्स पेंट गिव्स अस एन ऑप्शन टू ड्रॉ ब्यूटिफुल पैटर्न यूजिंग द पेंट टूल। टक्स पेंट क्या करता है? गिव अस एन ऑप्शन, ये हमें ऑप्शन देता है टू ड्रॉ ब्यूटिफुल पैटर्न। हमें कोई भी पैटर्न मतलब कोई भी हम अच्छे से आकार बना सकते हैं यूजिंग किसके द्वारा? पेंट टूल के द्वारा। वी कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दम पैटर्न शेप, हम इसमें कोई भी शेप का यूज कर सकते हैं फ्रॉम किसके द्वारा? सब टूल। ये सब हमें जो टूल्स मिलेंगे किसके अंदर मिलते हैं? सब टूल बॉक्स के अंदर। तो हम कैसे यूज करेंगे ब्रश टूल का? आप देखो
सिलेक्ट पेंट टूल, हमें पेंट टूल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ यू विल सी द ब्रश सब टूल बॉक्स ऑन द राइट हैंड साइड। आपको कहाँ मिलेगा ये सब टूल बॉक्स? इस साइड को मिलते हैं ना, इस साइड को सब टूल बॉक्स रहते हैं ना, तो राइट हैंड साइड में सिलेक्ट द फिल्ड सर्कल शेप एंड चूज ब्राउन कलर फ्रॉम द प्लेट। ड्रॉ द स्टेम ऑफ अ ट्री, मीन्स आपको इसके अंदर ब्रश टूल की हेल्प से आपको कोई भी जैसा शेप लेना है, या इसमें जिसे लिखा है सिलेक्ट द फिल्ड सर्कल, आपको कोई सर्कल फिल करना है शेप, एंड चूज द ब्राउन कलर फ्रॉम द पैटर्न। ड्रॉ द स्टेम ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट, स्क्रॉल डाउन द सिलेक्ट द वाइन शेप, सिलेक्ट ग्रीन कलर फ्रॉम द कलर पैटर्न, मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया एंड ड्रॉ द लीव्स बाय क्लिकिंग ऑन द स्टेम, यू विल सी अ ब्यूटिफुल ट्री। आप इसके अंदर काफ़ी मतलब ट्री भी बना सकते हो ब्रश टूल के अंदर। आप लोग इसमें ट्री हो गया, ये काफ़ी सारी आपकी ऐसी चीज़ें लीव्स हो गई, आप इसके अंदर बना सकते हो किसके अंदर, ब्रश टूल की हेल्प से। अब इसको मैं बताती हूँ, थ्री आपने जो पढ़े हैं, फ्लावर टूल, स्टेम टूल और ब्रश शेप्स को हम कैसे यूज़ करते हैं स्टेम टूल के अंदर। ओके, देखो आप, हाउ टू ओपन टक्स पेन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। अगर आप लोग ऑल प्रोग्राम देखो, क्लिक एंड ऑल प्रोग्राम, देन आपको इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा, टक्स पेंट। ओके, ये आपका टक्स पेंट। टक्स पेंट में आप क्या करोगे, क्लिक, देन टक्स पेंट आपको कौन सा चाहिए, टक्स पेंट फुल स्क्रीन और विंडो, तो आप हमेशा फुल स्क्रीन लेना टक्स पेंट में। ओके, देखो ये प्रोसेसिंग हो रहा है, आपका टक्स पेंट ओपन हो गया है। ठीक है, ये होते हैं आपके ब्रशेस, ये आते हैं, ये होते हैं आपके ब्रशेस और ये होते हैं आपके टूल्स। टूल्स की हेल्प से आप इसमें काफ़ी सारे डिजाइंस ले सकते हो, और इसमें ब्रश की हेल्प से आप इसमें काफ़ी सारे टूल्स या जो आपको ब्रशेस या कोई भी शेप चाहिए आप लोग इससे ले सकते हो। तो इसमें क्या बताता, पहले फ्लावर टूल, तो फ्लावर टूल के लिए अंदर हम जाने से पहले क्या करेंगे, किस में जाएंगे, मैजिक टूल में। मैजिक टूल में ही आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं जो टक्स पेन को, आपके टक्स पेन को और भी क्रिएटिव बनाता है। तो ये रहा आपका मैजिक टूल में, आप लोग क्लिक करोगे। ओके, ये रहा आपका मैजिक टूल, क्लिक किया, मैजिक टूल क्लिक किया तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल गए। तो मैजिक टूल के अंदर ही आपको दिखाई दिया ये फ्लावर टूल्स, तो ये रहा आपका फ्लावर टूल्स। फ्लावर टूल्स में आपने क्लिक किया, देखो अब मैं इसको कैनवास में क्लिक करूँगा। देखो बस आपको क्लिक करना है, देखो मैंने क्या कहा था, इट इज़ मेड अ रेडीमेड ऑप्शन, ये क्या फ्लावर का रेडीमेड ही बना होता है, बस आपने क्लिक करना है और आपका फ्लावर ये आपका बन के तैयार है। फिर से करो क्लिक, क्लिक, ओके, बस आपको मैजिक टूल के अंदर जाके ही फ्लावर्स टूल्स के अंदर जाना है और उसको देखो क्लिक करना है। देखो नहीं भी आप क्लिक करोगे तो ये आपका ये फ्लावर्स क्रिएट हो गया। ओके, ये होता है आपका फ्लावर्स टूल्स। अब इसको वापस जाने के लिए क्या करेंगे, या तो आप इरेजर की हेल्प से इसको सब रब कर सकते हो। ठीक है, इरेजर भी आपको किसके अंदर मिलेगा, टूल्स से, या इसको आप न्यू वाला शीट भी आप उसमें ले सकते हो। तो जब मैंने इरेजर टूल लिया, देखो ब्रश का शेप मेरा बदल गया, मतलब इसमें मेरा इरेजर का शेप आ गया कि आप कौन सा इरेजर आप ले सकते हो। मान के चलो मैंने येला लिया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ फिर से पेन टूल में क्लिक कर दिया। पेन टूल पे क्लिक करने के बाद इसके बाद क्या आया था, स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल आपके बराबर पेन टूल के ही बराबर में है, इसमें आप क्लिक करोगे, ये मैजिक टूल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, स्टैम्प टूल, जैसे मैंने स्टैम्प टूल में क्लिक किया, देखो आपको सी काफ़ी सारे इमेजेस दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके स्टैम्प। इसमें मैंने मान के चलो मैंने ये वाला ले लिया। ओके, क्लिक किया, इसके अंदर मैंने क्लिक कर दिया, ये होता है आपका स्टैम्प टूल। फिर से कोई और ले लिया ये उसके बगल में, फिर क्लिक कर दिया। बस आपको स्टैम्प मतलब जैसा प्रिंट में आपको दिखा रहा है, स्टैम्प में मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी नेम लिखा रहता है जिस भी शेप में लिखा, क्या करते हो आप, क्या करते हैं उसमें सरकारी वाले में भी वो लोग सिर्फ स्टैम्प को लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वैसे ही आपने इसमें क्लिक किया और कॉपी पेस्ट सेम एज इट इज़ ले लिया। ये होता है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल के अंदर क्या था, मिरर।
ये है आपका मिरर, राइट एंड लेफ्ट दिख रहा है आपको ये एरो। हम इसको, मैं क्लिक करके हम इसको शेप, देखो अभी इसका मुंह इस तरफ है ना, हम अब हम अपोजिट साइड में हम इसको कर सकते हैं। कैसे? ये है क्लिक किया, ये है आपका मिरर, ठीक है, ये होता है अपोजिट साइड लेफ्ट एंड राइट। मिरर में हम लोगों ने अब इसमें ये क्लिक किया, इसका मुंह किधर है, इधर की तरफ। मिरर की हेल्प से हम लोग इसको देखो, अब हमने इसका मुंह किधर की तरफ कर दिया, अपोजिट साइड में हो गया। ओके, कैसे किया, पहले कोई भी पिक्चर क्लिक की, कर दी इसके ऊपर क्लिक, फिर उसके बाद हमने मिरर में क्लिक किया। मिरर में क्लिक करने के बाद अब उसी जगह पेस्ट कर दे, देखो पहले इस तरफ मुंह था, अब इसका मुंह, इस फेस इसका अपोजिट साइड में हो गया। आपको बस पिक्चर क्लिक करनी है, उसके बाद ये रहा, मिरर में क्लिक करना है और अपोजिट साइड में इसको हो जाए। अब देखो इनको इंक्रीज और डिक्रीज करने का, ये रहा, इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी ले लिया मैंने, कोई भी मैंने ले लिया, उसके बाद पहले मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पर कैनवास में क्लिक कर दिया, अब देखो कितना बड़ा इंक्रीज हो गया ना, ठीक है। फिर से कोई और ले लिया मैंने, इसको मैं और इंक्रीज कर दूंगी इस वाले को, फिर मैं क्लिक, हो गया ना इंक्रीज और डिक्रीज। वापस जाने के लिए या तो आप कंट्रोल जेड से आप वापस भी जा सकते हैं, कैसे, कंट्रोल प्लस जेड, यह है आपका स्टैम्प टूल। कैसे, स्टैम्प टूल में आपने क्लिक किया, उसके बाद कोई भी स्टैम्प लिया और उसको क्या करते हैं, क्लिक। अब ये बड़ा क्यों आया, क्योंकि मैंने इसे इंक्रीज कर रखा है, इसे अगर हम छोटा करेंगे, ये तो हो गया, लेकिन हम नेक्स्ट वाले लेंगे तो वो हमारा आप क्या होगा, उसको पहले हमें छोटा करना पड़ेगा, तब ये छोटा हो जाएगा। और इसको अपोजिट साइड लेने के लिए पहले क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर इसको उसी के बगल में ले जाकर अपोजिट मूव कर देंगे इसका, ठीक है। ये है आपका स्टैम्प टूल। नेक्स्ट है आपका ब्रश। सी इन पेंट टूल, पेंट टूल में ही आपको क्या मिलेगा, ब्रश, ब्रशेज मिलेंगे आपको। ब्रशेज में काफ़ी सारे शेप दिख रहे हैं आपको, आपको काफ़ी सारे शेप है, इसको आप चूज़ कर सकते हो। बस ये इसको क्या रखना पड़ेगा, पेंट टूल के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, ब्रशेज। तो पहला है सिंपल वाला वन, ये थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है। देखो जैसे जैसे हम ब्रश का शेप बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका लाइन में भी अंतर आ रहा है ना। ओके, अब देखो हम बड़ा वाला शेप लेंगे तो हम इसमें बड़ा हमें ड्राइंग फील रहा है। वापिस जाने के कंट्रोल जेड, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आपको स्टार का ऑप्शन मिल गया, ठीक है, बस आप एक बार क्लिक करोगे तो स्टार आपका आ जाएगा। इसको और नीचे करोगे, स्क्रॉल करोगे, नीचे करोगे, देखो बस आपको माउस को इसके ऊपर रखना है और इसको, माउस को जो गोल रिंग है इसकी, उसको आपको नीचे दबाना है, या तो फिर ये दिख रहा है आपको एरो, इसको नीचे, या इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। स्टार है, बस आपको एक बार क्लिक करना है। इसके अंदर एक और ऑप्शन है, एक आपको पैटर्न दिख रहा है, इसमें हम लोग ये पेड़ की लीव्स है, पेड़ की लीव्स भी हम इसमें बना सकते हैं, या तो फिर कोई भी हमने बॉक्स चुना, या फिर इसमें हम कलर्स भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलो आपने रेड कलर लिया, रेड कलर का फिर आपको ब्रशेज भी ले, ब्रश का शेप ले लिया और उसमें आपका देखो रेड आ जाएगा, ठीक है। ग्रीन लिया, कोई भी ब्रश ले लो, उसके बाद ही आपका कलर ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। बस आपको इसमें शेप लेना है और क्या लेना है, कलर लेना है, उसी का आपका शेप एंड कलर आपको उसी का ही आपका आ जाएगा। मान के चलो आपने ब्लू लिया, तो आप जब आए ट्राइंगल लोगे तो ट्रायंगल भी आपका ये क्या आएगा, ब्लू में आएगा। पहले आपको कोई भी कलर लेना है और जिस शेप में चाहिए आपको, जैसे स्टार है या फ्लावर है, बस आपको एक बार क्लिक करोगे तो वो उसी कलर में ही आपका आ जाएगा।
ठीक है। यह है आपका ब्रश टूल। ब्रश टूल की हेल्प से आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्रिएट कर सकते हो। ओके, अभी फ्लावर है, देखो मान के चलो मैंने रेड लिया, उसके बाद फिर से मैं इसको क्लिक करूँगी और मेरा ये कैसे आ जाएगा, रेड में आ जाएगा। ये होते हैं ब्रशिश के शेप्स होते हैं, आपको कोई भी आप इसमें ले सकते हो, ब्रशिश चूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई भी कलर लेके आप इसमें कैसे भी अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन आप इसमें दे सकते हो। ये आते हैं इसके, ये किसके अंदर आता है, पेंट टूल के अंदर, ये सब आते हैं आपके पेंट टूल के अंदर आपके आते हैं। ओके, देखो क्लास स्टूडेंट्स, ये जो टक्स पेंट है आपको फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में और उसके साथ आप लोग क्रिएटिविटी बना सकते हो। ओके क्लास, अगर क्लास किसी के पास टक्स पेंट अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है तो कोई भी अच्छी सी पिक पर किसी के घर नहीं जाना है आपको, आप अच्छी सी पिक इसमें कुछ भी आप मतलब पिक मीन्स आप क्रिएटिविटी कुछ इसमें बना के मुझे स्क्रीनशॉट करके इसमें मुझे आप लोग जो होमवर्क भेजते हो उसमें आप मुझे भेज सकते हो जो भी आप लोगों ने इसमें ड्राइंग। लेकिन किसी के घर नहीं जाना है, आपको पता है ना कि कोरोना फैला है तो आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने ही घर में अगर लैपटॉप और कंप्यूटर है तो आप लोग इसमें अच्छी सी डिज़ाइन बना के या अच्छी सी पिक्चर बना के आप लोग उसमें मुझे क्या कर सकते हो, फ़ोन में स्क्रीनशॉट किया, पहले आप लोग होमवर्क जैसे आप लोग होमवर्क भेजते हो वैसे ही आप मुझे इसको स्क्रीनशॉट करके ही इमेजेस में ही आप मुझे इसमें भेज सकते हो, ठीक है। अगर समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर जिसको समझ में आ गया है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट करके कोई भी अच्छी सी पिक बना के आप लोग मुझे इसमें वर्कशीट में जैसे आप मुझे ट्यूसडे को वर्क से सेंड करोगे ना तो वैसे ही आप इसमें मुझे सेंड कर सकते हो। ओके क्लास, वी विल मेट इन योर नेक्स्ट क्लास।